फ्रेंड्स वेलकम बैक आज मैं आप सभी को बहुत ही प्यारा सा स्वेटर डिजाइन बताने वाली हूँ जो कि आप इसे बॉयज़ गर्ल्स या फिर मफलर में आप इसे अप्लाई कर सकती हैं स्वेटर कार्डिगन आप किसी के भी स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको बताऊँगी तो यहाँ पे बारह फंदे प्लस फोर फंदे के मल्टीपल में मैं फंदे ले रही हूँ और ये जो है मैंने बहुत सारे रंगों से इस स्वेटर डिजाइन को बनाया है आपके पास जो भी कलर के ऊन थोड़े बहुत रह जाते हैं बीन करके तो उससे आप इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत से बना सकते हैं नहीं तो आप मार्केट से छोटे ऊन भी गुल्ले का ख़रीद करके बना सकती हैं तो फिर मैं आज आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि कैसे बनाना है इस डिज़ाइन को तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, है नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें और आप उस वीडियो का देख करके इस्तेमाल कर, कर सकें सो तो फ्रेंड्स देखिए पहले हमें क्या करना है बॉर्डर बना लेना है आपको जितने भी फंदे में बनाना है हंड्रेड फंदे या फिर वन हंड्रेड ट्वेंटी फंदे ले लेने हैं उसमें आप बॉर्डर बना लेंगी उसके बाद फर्स्ट रो हमारा ये रहेगा बॉर्डर बनाने के बाद कि हमें फोर फंदे जो हैं जो भी आप बेस के कलर रखेंगी उससे हमें पहले फोर फंदे यहाँ पे बीन लेने हैं सीधे सीधे वन टू थ्री एंड फोर फोर फंदे हम यहाँ पे सीधे बीन लिए हैं फिर यहाँ पे फिफ्थ फंदे में अलग कलर के ऊन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मैं रेड कलर के ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर ट्वेल्व फंदे सीधे बीनूंगी ए वन टू थ्री हो गए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड टूवल्व यहाँ पे मैंने ट्वेल्व फंदे लिए हैं आप इसे देख लीजिए अगर आपको इतनी बड़ी डिजाइन नहीं चाहिए तो आप इसे कम भी कर सकते हैं तो पहले आप ट्वेल्व फंदे यहाँ पे मैं ले रही हूँ तो देखिए तीन तीन छः तीन नौ ट्वेल्व फंदे हो गए उसके बाद फिर हम यहाँ पे फोर फंदे जो हैं ये बेस के कलर के जो ऊन है उससे बीनेंगे देखिए वन टू थ्री एंड फोर फोर फंदे बेस के कलर को बीने हैं इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ये फंदा हमारा लेकर के हम यहाँ पे आए हैं इस वजह से अब जो है फिर से वापस से हम यहाँ पे अलग कलर के ऊन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर के ऊन का इस्तेमाल करूँगी और वापस से हमें यहाँ पे ट्वेल्व फंदे बीनने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टूल्व ट्वेल्व फंदे बीन लिए हैं वापस से हम यहाँ पे फोर फंदे का गैप रखेंगे और जो बेस के कलर का ऊन है उसी से हम यहाँ पे फोर फंदे बिनेंगे। वन टू थ्री एंड फोर फोर फंदे वापस से यहाँ पे ट्वेल्व फंदे इसी तरीके से आपको जो है बनाते जाना है यहाँ पे अलग कलर के उनका इस्तेमाल कर रही हूँ और वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यहाँ पे सिक्स फंदे लास्ट में है तो यहाँ पे हम सिक्स फंदे ही से बीनेंगे आपको यहाँ पे ट्वेल्व ट्वेल्व फंदे का बनाना है जैसे ट्वेल्व प्लस फोर इस तरीके के मल्टीपल में आपको इस तरीके से बनाते जाना है अब वापस से रॉन्ग साइड से हम क्या करेंगे जिस कलर के ऊन का है हमने बनाए हैं बस सेम हमें उसी कलर के ऊन से इसे बीनना है उल्टा उल्टा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स फंदे हमने आसमानी कलर के ऊन से बनाए हैं तो उसे हम बीनेंगे और साथ ही इसको हमें ट्विस्ट कर देंगे देखिए येलो कलर का ऊन है तो इसे हमें ऐसे घुमा करके उसके बाद फिर हमें येलो में बिनना है वन टू थ्री एंड फोर वापस से इसे देखिए इस दोनों को हम ट्विस्ट करेंगे उनको उनको ऊन को ट्विस्ट करना है इस तरीके से उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ट्वेल्व फंदे ब्लैक कलर के ऊन से बीनने हैं रॉन्ग साइड से ये सेकेंड रो हो गया रॉन्ग साइड से इस तरीके से हम पूरे से रॉ को बीन करके कंप्लीट करेंगे इससे आपका जो भी ऊन है उसका यूज हो जाएगा और आप इसे सॉक्स वगैरह में भी बना सकती हैं बहुत ही खूबसूरत से डिजाइन है कैप बना लें मफलर बना लें तो इस तरीके से जो है आपको बनाना है अब देखिए ये बेस के कलर का ऊन है तो इसे हम यहाँ पे इस तरीके से फोर फंदे उल्टे बीनेंगे वापस से हम यहाँ पे रेड कलर के ऊन से जिस कलर के ऊन का हमने इस्तेमाल किया है सेम हमें रॉन्ग साइड से उसे उल्टा बीन करके कंप्लीट कर लेना है देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से बनाना है अब हम आ जाएंगे राइट साइड में तो इस तरीके से सेकेंड रो तक हमें बीना है देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमने फर्स्ट रो बनाया था सेकेंड और थर्ड रो को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे ये फोर फंदे येलो कलर के हैं तो उसे हमने इसी कलर से बनाने हैं राइट right साइड से फिर वापस से रॉन्ग ब्लैक लिए हैं तो ब्लैक ही लेना है हमें और इस, इस रॉ को कंप्लीट करना है बना करके ये थर्ड सिलाई है राइट right साइड से देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो है हमें बना करके इसे कंप्लीट करना है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फंदे जो हैं बीन कर लिए हैं अब जो है हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है आपको ये जितनी चौड़ाई चाहिए आप उसी हिसाब से इसको और आप बढ़ाना चाहती हैं तो बढ़ा सकती हैं मैंने यहाँ पे सिक्स सिलाई जो है कंप्लीट किया है बना करके सेम प्रोसेस से अब रॉ जो है अब क्या करना है हमें नेक्स्ट ये जो बेस का कलर है उसे हमने यहाँ पे पूरी रॉ में बीनना है तो देखिए फ्रेंड्स पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि बॉर्डर जिस कलर के आपको बेस जो ये वाला जो डिजाइन बनाना है जो गैप रखना है उसे आप जिस कलर से बनाना चाहेंगी उसी से आप इसे कंटिन्यू करिएगा तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे पूरी रो जो है अब यहाँ पे कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो इस टू सिलाई जो है ये फर्स्ट सिलाई हो गया इसे भी हम देखिए यहाँ पे रेड कलर को येलो कलर से हम बीन रहे हैं कुछ इस तरीके से सभी फंदों को येलो कलर से ऊन से बीनना है देखिये इस तरीके से पूरी सिलाई जो है हम येलो कलर के ऊन से बीन करके कंप्लीट कर लेंगे कुछ इस तरीके से नजर आएगा इसमें कोई झंझट नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है बनाने में बस उल्टा और सीधा बनाना है और बहुत ही खूबसूरत से स्वेटर डिजाइन बन जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि जब पूरा फुल बन जाएगा तो कितना खूबसूरत से ये डिजाइन नजर आएंगे देखिए फिर इस तरीके से हमें पूरी रोज जो है येलो कलर के ऊन से बीन लेना है वापस से हमें रॉन्ग साइड में से वापस से हमें सभी फंदों को येलो कलर के ऊन से इस तरीके से उल्टा उल्टा बीन करके कंप्लीट कर लेना है तो जैसे कि आप देख पा रही हैं फर्स्ट रो ऐसे हमने बीन लिया है येलो कलर से इसी तरीके से सेकेंड रो भी हमें बीन करके इसे इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ानी है जैसे कि हमने यहाँ पे फोर फंदे लिए हैं तो इसी हिसाब से इसकी भी चौड़ाई थोड़ी सी इक्वल होनी चाहिए तो बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे तो इस तरीके से वापस से हम येलो कलर के ऊन से ही जो है एक लाइन और जो हम इसे बीन लेंगे सीधा सीधा राइट साइड से और रॉन्ग साइड से उल्टा बीन करके इसे कंप्लीट कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फोर सिलाई हमने इसे बीन करके कंप्लीट कर लिया है अब जो है हमें यहाँ पे क्या करना है कि अलग कलर के उनका इस्तेमाल करना है और इसका पैटर्न बनाना है तो देखिए यहाँ फोर फंदे हो गए इधर से फोर फंदे लेंगे इधर से फोर फंदे लेंगे तो ट्वेल्व फंदे हो जाएंगे फोर फंदे बीच में येलो बीनेंगे और बाकी के जो फोर फंदे इधर बचेंगे उसे हमने डिजाइन बनाना है तो देख लेते हैं कैसा आपको अगर अलग कलर के ऊन का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकती हैं नहीं तो फिर आपको जो भी कलर का बनाना चाहती हैं उस कलर से बीन लें मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के ऊन से बनाना चाहती हूँ तो देखिए इस तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इधर से हम इसे काउंट कर लेंगे कि ये फोर फंदे बीच वाले हैं तो इसे बीच में रखने हैं और यहाँ पे फोर फंदे को छोड़ना है और फोर फंदे जो है यहाँ पे येलो कलर से बीनने हैं तो देख लीजिए आप वन टू थ्री फोर ये फोर फंदे हो गए वन टू थ्री फोर ये फोर फंदे को इसमें हमें ऐड करना है और इस फोर फंदे को हम यहाँ पे येलो कलर के ऊन से बनाएंगे वन टू थ्री फोर हो गए अब यहाँ पे जो है कि जो भी कलर का आप इस्तेमाल करना चाहती हैं उसे कर लें मैं यहाँ पे वाइट कलर का कर इस्तेमाल करूँगी और इस तरीके से थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टूवेल्व फंदे बीच में वाइट वापस से यहाँ पे फोर फंदे येलो वन टू थ्री फोर और वापस से टोल्व फंदे मैं यहाँ पे रेड कलर का बीन लेती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड टूल्व ट्वेल्व फंदे बीन लेने के बाद यहाँ पे टू फंदे येलो बन जा बज जाते हैं तो मैं यहाँ पे टू फंदे येलो बीन लूंगी वन एंड टू तो इस तरीके से जो है आपको नेक्स्ट डिजाइन बनाते जाना है और बहुत ही खूबसूरत से डिजाइन बन करके तैयार हो जाएंगे उम्मीद करते हैं आप सभी को ये डिजाइन बहुत ही पसंद आए होंगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू